हेलो दोस्तों, सीता की कहानी में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ अभी सुबह का समय है, चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। और यहाँ पर सीता कहीं पर जा रही होती है। अरे अरे, चलो मैं जल्द से सोना स्वीटी और चटपटी को ट्यूशन छोड़कर आ जाती हूँ और बाजार भी होकर आ जाऊंगी। अरे दीदी तो अभी तक सो रही है। चलो खैर कोई बात नहीं, शिवम भी उन्हीं के पास भी सो रहा है। चलो अच्छा है, इन दोनों को यहीं पर आराम से सोने देती हूँ। मैं सोना स्वीटी और चटपटी को ट्यूशन भी छोड़कर आ जाऊंगी और सब्जी भी लेकर आ जाऊंगी। सोना सोना स्वीटी चटपटी, चलो चलो जल्द से ट्यूशन की तरफ निकलो, बहुत ही लेट हो गया है। चलो चलो जल्द से चलो, ठीक है ना? चलो चलो मैं अभी चलती हूँ, जल्दी आ जाओ भाई। अरे आज फिर से ट्यूशन जाना पड़ रहा है। अरे हाँ हाँ, तुम सही बोल रही हो। और ये बोलकर सोना स्वीटी ट्यूशन की तरफ चले जाते हैं। चलो मैं भी चलती हूँ ट्यूशन, ये बोलकर चटपटी भी ट्यूशन की तरफ निकल जाती है। सीता के घर से निकलते ही यहाँ पर शिवम जाग जाता है। मम्मी मम्मी, पेट में गड़बड़, छी आई, मम्मी मम्मी उठो, मम्मी उठो। और यहाँ पर शिवम के पेट में गड़बड़ हो रही होती है और उसे जोरों से छी लगी है। मम्मी नहीं है, मम्मी नहीं, जोरों से चीची, जोरों से चीची। और यहाँ पर शिवम जोर जोर से रोने लगता है। अरे अरे शिवम, क्या हुआ तुम्हें? मुझे चीची आई, जोरों से चीची, चीची करनी, चीची करनी। अरे शिवम को तो छींची लगी है और सीता भी लगता है बाजार चली गई है। अरे बाप रे, मेरे सर में कितना ज्यादा दर्द है। मैं चलो चलो धीरे करके उठती हूँ, नहीं तो शिवम यहीं पर छींची कर देगा। आ मुझसे तो नहीं उठा जा रहा है भगवान। मम्मी जोर से छी, यहीं पर छींची हुई, छींची हुई। अरे अरे नहीं शिवम, यहाँ पर छींची मत करना, कौन साफ करेगा भाई? देखो मेरी तबीयत तो पहले ही इतनी खराब है। जोरों से लगी, जोरों से लगी, जल्दी जाना बाथरूम, जल्दी जाना। अरे हाँ हाँ शिवम, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। धीरे धीरे यहाँ पर नीलू शिवम को लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगती है। हे भगवान, किसने आराम से मुझसे चला जा रहा है। बाथरूम भी बहुत ही दूर लग रहा है, जैसे कि मैं दूसरे गाँव जा रही हूँ। बस थोड़ी दूर शिवम बेटा, थोड़ी दूर, अभी मत करना, अभी मत करना। अरे अरे, ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? कहीं शिवम तुमने छींची तो नहीं कर दी है ना? चलो चलो देखती हूँ, कहीं शिवम ने छींची तो नहीं की। अरे ये क्या शिवम, तुमने तो कपड़ों में ही छींची कर दी। मैंने तुम्हें बोला था ना भाई, इस कपड़ों में छींची मत करना। उतरो उतरो, जल्दी से नीचे उतरो। छी छी, कितनी ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। हमें सब कैसे साफ करूंगी, कपड़ों में ही छींची कर दी। इस लड़के ने तो और ज्यादा काम बढ़ा दिया है मेरे सर के ऊपर। अब मैं क्या करूं, क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। शिवम के अंदर से तो बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। आखिर उसका पूरा शरीर तो छींची से गंदा हो गया, अब मैं क्या करूं? अगर सीता जब तक आएगी तब तक थोड़ी ऐसे शिवम पड़ा रहेगा, पूरे घर में तो बदबू ही बदबू फैल रही है। अरे मुझे लगता है शिवम को मुझे नहलाना ही पड़ेगा। अरे हाँ, मैं जल्द से शिवम को नहला देती, नहीं तो बहुत ही गंदी बदबू आती रहेगी इसके अंदर से। अच्छा शिवम बेटा, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ तुम्हारा पानी बनाकर, ठीक है ना? तुम्हें नहला देती हूँ मैं, तुम्हारे तुमने छींची कर दी, तुम्हारे अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। कितनी गंदी बदबू है, छींची कराइए। और यहाँ पर शिवम छींची कर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। और यहाँ पर नीलू ने शिवम के लिए पानी तैयार कर दिया है। अरे चलो जल्द से, पानी तो तैयार हो गया है, अब जल्द से शिवम को ले आती हूँ मैं। चलो चलो जाती हूँ, जल्द से शिवम को ले आती हूँ। शिवम शिवम, चलो चलो तुम्हें जल्द से नहला देती हूँ, तुम्हारा पानी मैंने तैयार कर दिया है। गंदी बदबू आ रही है शिवम की छींची के अंदर से। चलो चलो लेकर चलती हूँ शिवम को मैं। ये नहाना नहाना, ये हुले नहाना नहाना। अरे हाँ हाँ, मेरा लाल नहा धोकर बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा अब। चलो तुम्हारे कपड़े उतार देती हूँ जल्द से, तुम इस बार टब में नहाना, बहुत ही मजा आएगा तुम्हें, ठीक है ना? यहाँ पर नीलू शिवम के कपड़े उतारने लगती है। चलो बेटा, तुम्हारे कपड़े तो मैंने उतार लिए हैं, अब जल्द से पानी के अंदर चले जाओ नहाने के लिए। ये बात, टब नहाना नहाना, हुर्रे हुर्रे। और फिर यहाँ पर शिवम टब के अंदर चला जाता है और यहाँ पर शिवम मछली की तरह नहाने लगता है। हुर्रे हुर्रे, पानी पानी। अरे शिवम, तुम तो बहुत ही ज्यादा गंदे हो रहे हो, देखो जरा कितना मैल तुम्हारी जान पर लगा हुआ है। देखो देखो, तुम्हें रगड़ रगड़ कर अभी नहलाती हूँ मैं। और फिर यहाँ पर नीलू शिवम को रगड़ रगड़ कर नहलाने लगती है। आखिर तुम्हें मुझे एकदम से चमकाना है, तुम्हें राजा बनाऊंगी आज तो, नहला धोला कर देखना मेरा लाल कितना सुंदर दिखेगा आज। आज तो वो नहा रहा है, बहुत ही क्यूट दिखेगा आज तो। मम्मी मम्मी, रुको रुको, नाना नाना, अपने आप अकेले नाना।
अरे तुम इतने बड़े थोड़े होगे जो अपने आप ही नहाओगे, तुमसे नहीं नहाया जाएगा भाई। रुको रुको, मैं ही तुम्हें नहलाती हूँ। अरे इधर आओ, कहाँ पर जा रहे हो, रुक जाओ। तुम अभी इतने बड़े थोड़े होगे जो अपने आप ही नहाओगे, मैं ही तुम्हें नहलाऊंगी। देखना तुम क्यों, तुम्हारे ऊपर वैसे ही इतना मेल लगा हुआ है। आखिर तुम्हें रगड़ रगड़ कर नहलाना है मुझे, आज तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। पता नहीं सीता तुम्हें कैसे नहलाती है। मम्मी मम्मी नहीं, खुद नहाना खुद नहाना। अरे नहीं नहीं शिवम, आज तो मैं तुम्हें नहलाऊंगी, देखना। अरे बाबरे, देखो देखो फेस पर तो देखो कितना ज्यादा मेल जमा रहा है। मम्मी आँख में मिर्च लगी, आँख में मिर्च लगी। अरे देखो इस लड़की के ड्रामे, अभी तो मैंने साबुन भी नहीं लगाया है तुम्हारे फेस पर और तुम्हें मिर्च भी लगने लगा है। नहीं नहीं, खुद नहाना खुद नहाना, मछली बनकर नहाना। तुम यहाँ पर मछली बनकर नहीं नहाने के लिए आए हो, तुमने छींची किया है। तुम्हें रगड़ रगड़ कर नहलाना मेरा काम है, आज तुम्हें तुम्हें देखना रगड़ रगड़ कर नहलाऊंगी और एकदम से साफ सुथरा बना दूंगी। सीता तो तुम्हें पता नहीं कैसे नहलाती है, आज तुम मुझसे नहीं बचोगी शिवम। अरे बाप रे, देखो देखो कितना मेल उतर रहा है इसके बदन पर से। तू जब सोना स्वीटे छोटी थी तो मैं उन्हें भी ऐसे ही नहलाती थी, देखा एकदम से कैसे गोरी नजर आती हैं अब। देखो देखो शिवम, तुम्हारा मुंह भी एकदम शीशे की तरह चमकने लगा है। तुम बहुत ही हैंडसम दिखोगे जब बड़े हो जाओगे, तुम्हें रगड़ रगड़ कर नहाना चाहिए भाई। और यहाँ पर नीलू शिवम को रगड़ रगड़ कर नहलाने लगती है। अरे वाह, सच में दोस्तों, नीलू ने तो शिवम का फेस एकदम से चमका दिया है। आखिर वो कौन सा शैम्पू यूज कर रही है? अरे अरे दोस्तों सॉरी, वो तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी आखिर मैं कौन सा शैम्पू यूज करती हूँ। नहीं तो आप लोग भी करने लगेंगे और एकदम से मेरी तरह गोरे ही हो जाएंगे। सॉरी। अच्छा शिवम, मैंने तुम्हें रगड़ तो दिया है, अब जल्द से तुम्हारे ऊपर पानी डाल देती हूँ, ठीक है ना? फिर तुम नहा लोगे, तुम्हें कपड़ा पहना दूंगी, जब तक सीता आएगी तुम्हें एकदम से राजा बना दूंगी मैं, आकर देखी कि उसका राजा बेटा कैसा दिख रहा है। और फिर यहाँ पर नीलू शिवम को अच्छे से नहलाने लगती है। आज तो तुम मुझसे नहीं बचोगी, सीता भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगी, ऐसा मैंने तुम्हें गोरा बना दिया एकदम से नहला नहला कर। और यहाँ पर नीलू शिवम को नहला देती है। अरे बस बस, तुम शिवम नहा लिए हो, अब जल्द से आ जाओ, तुम्हें कपड़े पहना देती हूँ। इतना पानी में मत घुसो नहीं तो तुम्हें सर्दी भी हो सकती है। थोड़ी देर और नहाना मम्मी, थोड़ी देर और नहाना। अरे नहीं नहीं शिवम बेटा, अभी बच्चों के लिए सर्दी ही है, अगर तुम इतना नहाओगे तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी भाई, तुम्हें छींक आएगी, फिर तुम्हें इंजेक्शन लगेगा, बात बहुत ही बढ़ जाएगी। बस तुम ठीक है, इतना ही नहाओ और चलो मेरे साथ में कपड़े पहन लो जल्दी से चलकर, ठीक है ना? और फिर यहाँ पर नीलू शिवम को लेकर चली जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अरे सॉरी फ्रेंड्स, मैं तो आप लोगों से मजाक कर रही थी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ आखिर मैं कौन सा शैम्पू यूज करती हूँ। मैं एक सिंपली शैम्पू यूज करती हूँ, उसका नाम है डव, बहुत ही अच्छा शैम्पू है वो, आप लोग भी ट्राई कर देखना, ठीक है ना? बाय बाय दोस्तों।